नमस्कार दोस्तों, मैं शंकरलाल सैनी, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा भारत है, इस भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। जो अक्षांशीय विस्तार है हमारे भारत का, ये कहां से और कहां तक माना जाता है, और देशांतरी विस्तार है वो कहां से कहां तक माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो भारत है, इसकी मुख्य जो भूमि है, ये मुख्य भूमि पर जो बिंदु है, उस बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि पर जो बिंदु है कन्याकुमारी, इसे भारत का दक्षिणी बिंदु माना जाता है। जबकि हम बात करें दोस्तों दक्षिणीतम बिंदु की, तो ये अंडमान निकोबार का जो लास्ट वाला जो द्वीप है, जिसको नाम देते हैं हम लोग ग्रेट निकोबार, इस ग्रेट निकोबार के अंतर्गत पड़ता है, और उसको नाम देते हैं दक्षिणीतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट। और ये कौन से द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार। इस बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम दिया है इंदिरा पॉइंट। और अगर दोस्तों कई बार इसे इंदिरा पॉइंट के अलावा नाम मिल जाते हैं, जैसे पारसन बिंदु, तो पारसन बिंदु भी इसे ही नाम दिया गया, लाहिचिन बिंदु भी इसे ही नाम दिया गया। और दोस्तों, ये जो बिंदु है ये वर्तमान में नहीं है, ये 2004 में जो सुनामी आई, उस सुनामी के अंतर्गत ये बिंदु क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसके लिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि ये बिंदु है कितने डिग्री पर, तो ये है बिंदु जो है दक्षिणी तम वाला बिंदु 6° 4' उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत पड़ता है। और दोस्तों, ये जो बिंदु है ये वर्तमान में डूब चुका है हिंद महासागर के अंतर्गत, तो नहीं है ये, केवल हम मानते हैं 6° 4' से संपूर्ण भारत स्टार्ट होता है। ये जो कहें कि पारसन बिंदु या इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। अर्थात ये जो कहें कि जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाली जो हम रेखा मानते हैं, जिसको हम नाम देते हैं भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर चलेंगे, क्योंकि रेखा से ऊपर का ये उत्तरी गोलार्ध बन जाएगा और ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो इस रेखा से कितना किलोमीटर चलेंगे, तो कितना चलेंगे, 876 किलोमीटर, कितना चलेंगे, 876 किलोमीटर उत्तर में चलेंगे, तब भारत का दक्षिणी तम बिंदु आएगा, जिसको नाम कह दिया है इंदिरा पॉइंट। लेकिन बात करें दोस्तों मुख्य भूमि पर कौन सा बिंदु है, तो कन्याकुमारी माना जाता है। उसी तरह बात करें भारत का देशांतरी की, अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा से हमारा भारत है वो पूर्व में पड़ता है। तो अगर हम देशांतरीय दृष्टि की बात करें, तो भारत कौन से गोलार्ध में पड़ेगा, पूर्व में पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, सीधे बता सकते हैं, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, और दोनों दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है। और बात करें कि जो मुख्य भूमि का बिंदु है वो कन्याकुमारी है। उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, तो ये लद्दाख के अंतर्गत वर्तमान में है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये इंदिरा कोल है दोस्तों, जबकि यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। जबकि पूर्वी बिंदु की हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका कौन सा बिंदु माना जाएगा, वालांगू। वालांगू कई बार इसको दूसरा नाम दे देता है कीबितु, वालांगू या कीबितु भी मिल जाता है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, अरुणाचल में पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु कौन सा माना गया है, सर्किक, और ये सर्किक की जगह कई बार दे देता है गोरमोता। तो दोस्तों ये जिला नारायण सरोवर और ये पश्चिमी बिंदु ये गुजरात में हो गया। अगर हम दोस्तों बात करें इंदिरा कोल से, हम बात करें किसकी, कन्याकुमारी तक की, तो हम कितना दूरी तय करेंगे, ये भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार बताएगा, तो ये कितना बताएंगे हम लोग, 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण विस्तार बोलो, या फिर लद्दाख से कन्याकुमारी तक बोलो, बात वही है। फिर बात करें पूर्व पश्चिम विस्तार की, तो पूर्व पश्चिम विस्तार है भारत का, ये है 2331 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर दक्षिण विस्तार ज्यादा है, पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। अब बात करें कि उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम की तुलना में कितना अधिक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 281 किलोमीटर है। जैसे राजस्थान में दे देता है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार, तो वहां पर 43 किलोमीटर का अंतर बनता है। 826 से निकलेंगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आएगा। राजस्थान का पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा है, जबकि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार ज्यादा है। वहां राजस्थान के अगर विकिरणों की बात करते हैं 784 से 850, तो वहां पर जो विकिरणों में है वो 66 का अंतर आता है, 66 किलोमीटर का अंतर आता है, जबकि
उत्तरदक्ष से विस्तार के अंतर्गत है, वो तियानी स्थान है। तो दोस्तों हम बात करें कि भारत में कितना अंतर आ रहा है, तो 281 किलोमीटर का। अब हम बात करें कि ये जो 0 डिग्री है इससे कितना चले, तो ध्यान रखिए दोस्तों हम लोग चलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का अक्षांश से विस्तार शुरू होगा 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से, और ये जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। अर्थात भारत का जो विस्तार है ये कह सकते हैं लगभग 30 ही तो किसमें है अक्षांशों में है, और लगभग 30 ही किसमें है देशांतरों में। भारत का क्या माना जाता है, विस्तार माना जाता है। और दोस्तों आपको पता है एक देशांतर से दूसरे में जाए तो 4 मिनट का अंतर है, अब 30 में बसा है तो 30 × 4 = 120/7 काटे तो कितने 2 घंटे। अरुणाचल से और गुजरात तक भारत में समय का अंतर कितने घंटे का है, लगभग 2 घंटे का। और ये कहें कि अगर यहाँ 6 बजे सूर्योदय होगा तो यहाँ 8 बजे होगा, लेकिन जहाँ सूर्योदय पहले होगा वहाँ सूर्यास्त भी पहले होगा। अब इसी अंतर को कम करने के लिए ही दोस्तों हमने मानक देशांतर माना है, अर्थात ये जो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का जो नैनी नामक जो जगह है जो इलाहाबाद के पास पड़ता है, वहां से एक रेखा मानी गई है जिसको नाम देते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। और ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये भारत का पूर्व पश्चिम और ये कहें कि 2 भागों में डिवाइड करके लगभग मध्य से है ये रेखा, जो कि इलाहाबाद के पास से है, जो 82 डिग्री पर है इलाहाबाद, जबकि रेखा 82.5 से है। उसी तरह ये कहें कि यूपी का मिर्जापुर इसी पर बसा हुआ है, मिर्जापुर शहर इसी पर है, वो 82.5 पर है। अब दोस्तों ये रेखा जो है इसी को समय का निर्धारण करने के लिए डिवाइड माना गया है, इसलिए इसको मानक देशांतर एक कह सकते हैं समय निर्धारक रेखा, या ये जो रेखा है इस रेखा से समय का क्या किया जाता है निर्धारण किया जाता है, ताकि भारत में निवास करने वाले सभी लोगों की घड़ियां सेम समय बताएं, क्योंकि भारत का कौन सा विस्तार ज्यादा हो रहा है, या तो भारत का देशांतर विस्तार ज्यादा है, इसलिए हमने ये कह सकते हैं कि 30 में होने के कारण लगभग मध्य से ये रेखा मानी गई है। हमारा जो समय है दोस्तों ये इसी रेखा के कारण हम लोग बात करते हैं कि भारत का समय GMT से कितना घंटे आगे है, याद रखिएगा 5.5 घंटे आगे है भारत का समय GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम है। यहाँ अगर 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पर 5:30 PM का समय होगा, क्योंकि हमारा समय इस GMT समय से क्या चलता है, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलता है। थैंक यू दोस्तों।